प्रश्न जीते आज कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला को ड्रिल कर उसके डेप्थ तक जाकर बताऊंगा कि किसी फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों फॉर्मूले का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि डेली लाइफ में यूज होने वाले मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। आइए एक सिंपल फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पर ये फॉर्मूलाज आते कैसे, आज हम यही सीखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले LHS से शुरुआत करनी है। LHS इक्वल्स टू, LHS में क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमें पता है होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b इनटू a प्लस b। अब इस तरह का मेथड पहले भी बना चुके हैं। ये कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई a इनटू a प्लस फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई a इनटू b। अब देखिए a को हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या करें, अब हम लोग b को करेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई, प्लस b इनटू a, b इनटू a प्लस अब b को करेंगे b के साथ मल्टीप्लाई b इनटू b। अब देखिए हमारा क्या आता है, a इनटू a क्या होता है a स्क्वायर प्लस a इनटू b ab प्लस b इनटू a ba। अब हमें पता है अल्फाबेट में a पहले आता है b बाद में आता है, तो हम इसका नेम चेंज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे a b कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम ऐसा क्यों किया ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। अब b into b equals to b square, अब देखिए a square plus, यहां आपको कितने ab दिख रहे, दो ab दिख रहे, बहुत सुंदर, दो ab, तो यहां क्या आ जाएगा 2ab प्लस b square। देखिए अगर हम यहां चेंज नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि ये दोनों सेम है, हम इसलिए इसे चेंज कर दिए कि हमें पता चले कि ये दोनों सेम है। अब देखिए हमारा आ चुका है a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह अब हम लोग a माइनस b के होल स्क्वायर का प्रूफ करेंगे। आप लोगों को पता है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए पहले जैसा हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हमें पता है होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट के अंदर में जो है उसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो a माइनस b इनटू a माइनस b। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई a इनटू माइनस b। अब देखिए फर्स्ट इधर के दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब क्या करें, हम डरना नहीं है, अब क्या करना है नेक्स्ट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो b मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के साथ माइनस b इनटू a, फिर b मल्टीप्लाई होगा b के साथ सेकंड के साथ, तो माइनस b इनटू माइनस b। यहां हम ब्रैकेट इसलिए दिए हैं कि आपको समझने में इजी हो, आप चाहो तो ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हो। यहां a इनटू a इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a इनटू b ए बी माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस। ओके यहां भी देखिए माइनस प्लस माइनस बी इंटू ए बी ए। अब यहां ध्यान दीजिए कि बी ए जो है अल्फाबेट में एबीसीडी में हमारा ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो अगर हम इसका नाम को बी ए की जगह ए बी भी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं बी ए के जगह में ए बी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के कारण है, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा कि ये कारण क्या था। अब यहाँ लिखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 बी इंटू बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर को तो कुछ कर नहीं सकते, तो ए स्क्वायर जैसे तो ऐसा ही। अब देखिए यहाँ आप लोगों को कुछ दिख रहा है, सेम सेम दोनों है ना, यहाँ यही कारण था इसको ए बी लिखने का। यहाँ देखिए हमें ये सेम मिल गया, दोनों ए बी प्लस ए बी, ए के बी प्लस ए के बी, तो कितना ए बी हो गया 2 ए बी। अब देखिए साइन दोनों का माइनस है, तो हमें यहाँ भी क्या लगा देना है, साइन
माइनस साइन लगाना है और यहाँ क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ चुका है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी से सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं किससे? एलएचएस से। तो एलएचएस इक्वल्स टू है ए प्लस बी ए माइनस बी। आप लोगों को पता है इस तरह का मैथ कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई ए इंटू ए स्क्वायर, फिर फर्स्ट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई ए इंटू बी ए बी, माइनस ये प्लस में माइनस प्लस माइनस। उसके बाद दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है ए, अब बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें बी इंटू ए बी ए, या फिर हम क्या बताया था इससे पहले वाला वीडियो में, इसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे ए बी। अब देखें ए बी प्लस, तो यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया। नेक्स्ट बी को बी के साथ मल्टीप्लाई बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ ए के बी, यहाँ पर ए के बी, ये माइनस में है ये प्लस में है। तो एक माइनस में एक प्लस में, हमें पता है माइनस प्लस इक्वल्स टू होता है माइनस, तो ये ए बी इस ए बी से कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यह वीडियो आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल रहे कमेंट कर बताएं और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक जरूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज लाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस।